आपका इससे पहले भी कभी एक्सपीरियंस रहा, रहते रहे इंडियन जो लोग हैं उनके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ इससे पहले भी कभी? ऑब्वियसली 2010 में मैं सऊदीया मूव हो गया काम के सिलसिले में, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन मुझे मिले। तो जब वो कहते थे इंडिया, तो हमारे जहन में था कि यार ये तो दुश्मन वाले हैं, दुश्मन मुल्क है। जब उनके साथ इंटरेक्शन होता था, लेन देन होता था, मेरी कंपनी में फिर बहुत सारे इंडियन हमारे साथ काम कर रहे थे, इतने पोलाइट, इतने मेहनतकश, इतने प्यारे लोग थे कि मेरे जहन में कि यार जो चीज़ें हमें बचपन से पढ़ाई जा रही है और हम देखते आ रहे हैं कि भाई न्यूज़ में, टीवी में, मूवीज़ में, किताबों में कि ये लोग आपके दुश्मन हैं, तो अब मुझे तो पता नहीं है, तो ये बड़े प्यारे लोग हैं। अब रिसेंटली मैं थाईलैंड गया, थाईलैंड में एक कपल हमें मिले, 15-16 दिन हुए थे कि उनकी शादी हुई थी, मैं और मेरा दोस्त था, और एक बोट में हम ट्रेवल कर रहे थे पीपी आइलैंड, तो उसमें 15-20 लोग थे, उसमें ब्रिटिश भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे, और ये इंडियन एक फैमिली भी थे और मैं और मेरा दोस्त भी था। तो वो जो कपल थे हनीमून के लिए आए थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कहाँ से? हमने कहा भाई पाकिस्तान से। हमने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से? तो कह रहे हम पंजाब से, हिंदुस्तान पंजाब से। तो वो हमारा गपशप लगा, इंटरेक्शन हुआ, वो जो हमारे भाई थे, हमारी भाभी थी। उसके बाद 2 दिन हम थाईलैंड में एक साथ घूमे। अच्छा, जब हम जुदा हो रहे थे तो वो जो हमारी भाभी थी वो भी रो रही थी, वो भाई भी रो रहा था गले लग के कि यार बॉर्डर ने हमको जुदा किया है, लेकिन वो जो प्यार और भाईचारा और मोहब्बत है ना, रिस्पेक्ट, वो तो है बीच में। उस बोर्ड में और भी लोग थे, उनके साथ उनकी कनेक्शन क्यों नहीं बने, या हमारे उनके साथ कनेक्शन क्यों नहीं बने? क्योंकि हम एक ही लोग हैं, एक ही ज़ुबान बोलते हैं, एक ही खाना खाते हैं, जिस तरह हम रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, हमने कहा कि यार डिनर के लिए हम डिनर साथ करते हैं। अच्छा, जिस तरह हम पाकिस्तानी दोस्त नहीं होते बिल पे झगड़ा करते कि यार ये मैंने पे करना, वो भाई कह रहे कि नहीं मैं हिंदुस्तान रेस्टोरेंट आप लोगों को लेके आया, इंडियन खाना खिलाया, तो बिल मैं पे करूँगा। अब हमने इंसिस्ट किया कि नहीं यार आप लोग हनीमून पे आए, हमें कोशिश करें कि हम ये बिल दें, आप ना दें। तो वो जो जिस तरह टिपिकल हमारे पाकिस्तान में नहीं होता कि नहीं यार बिल हमने पे करना होता है, तो वो भाई ज़बरदस्ती उठ के वो पैसे उस भाई ने दिए। तो ये बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन होता रहता है, बाहर में ट्रेवल करता रहता हूँ, तो मैंने कभी भी कोई भी डिफरेंस जो मिला मैंने फील नहीं किया कि हमारे लोगों में है। डिफरेंस सिर्फ यही है जो हम मीडिया में, जो हमारे हुक्मरान पॉलिटिक्स और पता नहीं जो उनके ज़ाती मुफादात है, वो चीज़ें बीच में आके हमारे जहनों में एक बीज बोया जाता है जिसे कहते हैं हम नफ़रत और दुश्मन। मेरे ख्याल में ना कोई नफ़रत है ना कोई दुश्मन है, हम सब भाई है, अल्लाह के बनाए हुए इंसान है, पैदा किए हुए इंसान है, और मेरे ख्याल में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। तो आप कभी इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ या अब जाने का कोई इरादा होगा? मैं तकरीबन 10-12 ममालिक घूमा हूँ और मेरा बहुत दिल कर रहा है, एक मेरा पड़ोस मुल्क अफगानिस्तान, दूसरा इंडिया, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है और आपको इतना दूर तक मैं गया हूँ, तो मैं दिल में ये ख्वाहिश है कि वाई नॉट यार हम हिंदुस्तान भी जाएं, दिल्ली में मोहम्मद अली रोड घूमें, मुंबई घूमें, गोवा घूमें, शिमला घूमें, बहुत प्यारी प्यारी जगह है, लेकिन जिस तरह हालात है कि वीज़ा आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ये एक दिल में है बेचैनी कि अल्लाह करे कि ये नफ़रतें, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और एक दिन हम भी वाघा बॉर्डर पर बस पर बैठ के हम चले जाएँ वहाँ पंजाब से होके दिल्ली और पूरा इंडिया घूमें। आपका जो मेन्यू है उसमें और कौन कौन सी इंडियन डिशेज आपने रखी हुई है? ये स्पेशली हैदराबादी बिरयानी हमने रखी हुई है, और बाकी आप अगर चीज़ें देखें, रोटी आप वहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलते हैं, साग वहाँ भी लोग खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आप देख ले मेन्यू, अगर मेरी मेन्यू उठा ले किसी हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट में चले जाए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सेम मिलेंगी, लेकिन सिर्फ एक मिर्च या थोड़ा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, बाकी चीज़ें सेम ही है। तो आप व्लॉगिंग कब से कर रहे हैं और आप व्लॉगिंग क्यों करते हैं? व्लॉगिंग मैंने 2016 में शुरू की, और एक विज़न था कि जो हमारा तस्वीर बना हुआ है लोगों के जहन में उसको मैं चेंज कर सकूं। तो थ्रू व्लॉगिंग मैंने सऊदीया में स्टार्ट किया, और अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जो हमारे पख्तून कम्युनिटी थी, पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, व्लॉगिंग के ज़रिए मैं वो लोगों को दिखाना चाह रहा कि यार यहाँ पे लोग किस तरह रह रहे हैं, हम लोग किस तरह है। अब इंडिया में ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा, तो ये व्लॉग के ज़रिए देखा, क्योंकि हम अपने कल्चर लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो यही एक मन था कि जो मीडिया में जो हमारा एक इमेज बना हुआ है वो हम हैं ही नहीं बेसिकली, जो हम रियल में जो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, जिस तरह हम आम लोग हैं, उनके ख्यालात क्या हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है, वो क्या चाहते हैं, ना कि हमारे हुक्मरान क्या चाहते हैं और उनके पीछे कोई एजेंडा हो, हम जो कॉमन लोग हैं वो क्या चाहते हैं। तो व्लॉगिंग मैंने इसलिए शुरू की कि हम एक अपना पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज हम दुनिया को दिखा सकें कि यार हम असल में कैसे लोग हैं। तो ये इसलिए मैंने व्लॉगिंग शुरू की। उसकी कहानी बताएं कि वो क्या था सारा वाकया। मैं ऑफिस आ रहा था अपने, ठीक है, उतरी, तो रास्ते में एक फैमिली मिली, उन्होंने लेफ्ट मांगी,
तो मैं देता रहता हूँ अक्सर लेफ्ट, क्योंकि किसी को ज़रूरत हो तो आपको चाहिए कि लोगों की मदद करें। तो लोग जब गाड़ी में बैठे तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि इंडिया से। तो वो मुझे इस तरह फील हुआ कि आपके घर पे कोई दस्तक देता है कि आपके मेहमान आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी सिक्स साथ में उनका होटल था कि यहाँ पे आप हमें ड्रॉप कर लो। तो मैंने कहा मैं तो ड्रॉप तो कर लूँगा, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे रेस्टोरेंट इधर करीब है, अगर आप लोग के पास टाइम है तो मेरे साथ लंच कर लें। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने बात मान ली, तो वो लोग मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट आए। और फिर ये हुआ कि वो एक छोटा सा व्लॉग सिर्फ इसलिए बनाया कि एक प्यार मोहब्बत और भाईचारे का मैसेज हम दें दुनिया को कि हम जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम मेहमानों को देखकर हम खुश होते हैं और ये अल्लाह की रहमत होती है जब आपके पास मेहमान आते हैं। तो वो जो भाई थे तो मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। पहले तो ये इरादा था कि मैं इनकी मेहमान नवाजी करूँ, मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन जब उनकी स्टोरी मैंने उनसे जानी कि वो लोग कितने गुरबत में यहाँ पे अपने बच्चों को सपोर्ट करने पाकिस्तान आए उनके टेनिस गेम के लिए, तो वो उन्होंने मुझे काफ़ी टच किया कि बच्चियों को, जो 14 साल की बच्चियाँ थी, तो बच्चियों को सपोर्ट करने हिंदुस्तान से पाकिस्तान कितने गुरबत में यहाँ पे आके वो लोग अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन लगा उनकी स्टोरी। और वो बस थोड़ी बहुत मेहमान नवाजी हुई, गपशप भी लगाया। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि यार अब विराट कोहली हमें दे दे, बेशक आप यहाँ से टेनिस ट्रॉफी लेके जाए, लेकिन वो बंदा हमें दे दे। तो वो एक प्यार मोहब्बत और भाईचारे की वो गपशप थी जो काफ़ी मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया में लोगों ने बहुत पसंद किया उसे। तो वो लोग जो थे, आप जब उनको मिले तो आपको ये पहले नहीं पता था कि वो इंडियन है या कौन है या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने लेफ्ट मांगी तो आई थॉट कि गुजरावाला या गुजरात से होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्सी नहीं होती है। शकरपड़िया में जब आप अंदर आते हो ना तो यहाँ पे टैक्सी बहुत कम होती है। तो आई थॉट कि अगर ये आगे तक जा रहे हैं तो वाई नॉट मैं इनको ड्रॉप करूँ। वो जब गाड़ी में बैठ गया और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से, तो कह रहे इंडिया से। तो मेरे थोड़ा सा शॉकिंग भी लगी, यार इंडिया के लोग यहाँ पे जंगल के बीच क्या कर रहे हैं और लेफ्ट क्यों मांग रहे हैं। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था। जब मैंने पूछा कि यहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट है और यहाँ पे हम अपने बच्चों को सपोर्ट करने यहाँ पे आए हैं, तो मैंने कहा कि लेफ्ट क्यों मांगे, कह रहे हमारे इधर साथ ही ये जगह। तो वो फिर जब उनसे बातचीत की तो पता चला कि गुरबत में किस तरह वो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर बात हुई तो उनके जहन में ये था कि यार हम पाकिस्तान जा रहे हैं, पता नहीं किस तरह लोग होंगे, जिस तरह माशाल्लाह हमारे हुक्मरान साहिबान है या मीडिया है, तो वो नफ़रत को इतना हमने भेजा है कि लोगों के जहनों में ऑलरेडी एक चीज़ इस तरह है, बचपन से सिखाया जाता है कि आपके दुश्मन है। बाकी हम सब इंसान एक ही जैसे हैं, अगर आप इस तरफ देख ले उस तरफ देख ले सेम ही लोग हैं। मैं बहुत दुनिया घूमा हूँ, इंडियन जितने भी बहन भाइयों से मैं मिला हूँ, तो हमारी तरह ही लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। ना तो हमें जंगों का पता है, ना हमें नफ़रत का पता है। जो खाना हम खाते हैं वो खाना वो लोग भी खाते हैं। जिस तरह हम मेहमानों की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो लोग भी उसी तरह करते हैं। तो यही मैंने सोचा कि यार ये हमारे मेहमान हैं, और जो उनकी दिलों में और दिमाग में एक डर सा था कि यार हम कहाँ पे जा रहे हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, तो एज अ पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ था कि उनकी मेहमान नवाजी करें। और कम अज़ कम पूरी, अगर आप पूरी कौम की नज़रिए को नहीं बदल सकते, दो बंदों की नज़रिया तो कम अज़ कम आप चेंज कर ले। जो बच्चियाँ आती 14 साल की, ये मरते दम तक यही सोचती रहेंगी कि आप पाकिस्तान में यार अच्छे लोग हैं। हमारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं, लेकिन नफरत बहुत ज़्यादा हम भेज रहे हैं और लोग ख़रीद भी रहे हैं। तो वाई नॉट कि नफरत की बजाय हम मोहब्बत को भेजें, मोहब्बत को आम करें, भाईचारे को आम करें, और यही मैंने किया। तो जब आपकी उनसे गपशप हुई, उन्होंने आपको क्या बताया प्रिसाइसली कि उनके फियर्स क्या थे या उनका परसेप्शन यहाँ पर आने से पहले पाकिस्तान के बारे में क्या था, और यहाँ आकर उनको फिर उनका क्या परसेप्शन बना? शुमाइला वो इस तरह था कि ये हैदराबाद से थे और सानिया मिर्ज़ा की अकेडमी में ये दोनों बच्चियाँ वहाँ पे खेली है। उनसे मुझे तस्वीरें भी दिखाई कि सानिया मिर्ज़ा से हम इंस्पायर होकर हम टेनिस में आए हैं। और वो जब कह रहे थे कि जब वाघा बॉर्डर आए तो हमें बहुत डर लगा कि अभी हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो पता नहीं बॉर्डर के उस पार हमारे साथ क्या होगा। लेकिन उन्होंने टैक्सी पकड़ी वाघा बॉर्डर से, और फिर टैक्सी वाले को बोला कि कोई बस हो जो कम दाम में हमें इस्लामाबाद तक पहुंचा सके। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन स्टोरी है। तो जब लेके आए वो एक लारी अड्डे, पता नहीं कौन से अड्डे पे लेके आए, वो बस में बैठे इस्लामाबाद आए। फिर इस्लामाबाद में लोगों से पूछा कि जहाँ पे सस्ते होटल है हमें वहाँ पे ठहरना है, क्योंकि उनका बजट इतना नहीं था लेकिन अपनी बेटियों को सपोर्ट करना था। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की उनकी स्टोरी थी। तो वो जब कह रहे थे कि जब हम टैक्सी में बैठे
तो उन्होंने कहा अच्छा भाई आप हिंदुस्तान से आए, तो हमने कहा हाँ, तो कह रहे बहुत वो जो ड्राइवर था हमें बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया। जब हम बस में बैठे तो बस वालों के भी सेम रिएक्शन था। जब हम इस्लामाबाद पहुँचे होटल गए तो पासपोर्ट हमसे मांगा कि आप लोग कहाँ से आए, उनको पता चला कि आप हिंदुस्तान से हैं, तो वो होटल वालों ने बहुत अच्छी तरीके से उनका वेलकम किया। इवन हमारे जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, वो यहाँ पे ओपनिंग के लिए आए थे टूर्नामेंट की ओपनिंग, तो इन बच्चियों के सर पे हाथ रख के उनको प्यार किया। वो लोग मुझे कह रहे थे कि आपका जो प्रेसिडेंट है हमारे बच्चियों को बहुत प्यार किया कि आप हमारे बच्चियों जैसे, कह रहे ड्राइवर से लेकर रेस्टोरेंट वाले से लेकर होटल वाले से लेकर इवन प्रेसिडेंट तक यहाँ पे तो सब प्यार ही प्यार मिल रहा है। और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस बीच जंगल में हम किसी को हाथ देंगे तो गाड़ी रोक देंगे। हमने पहली बार गाड़ी को हाथ दिया और आप पहले बंदे थे कि गाड़ी आपने रोकी और आपने हमें इनवाइट किया फिर लंच के लिए। तो कह रहे वो जो हमारे जहनों में वो एक चीज़ बनी थी ना, एक बला, एक खौफ कि यार हम जाके वहाँ पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। कह रहे वो सब कुछ उल्टा हो रहा है हमारे साथ यहाँ पे, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार इतना प्यार, इतनी मेहमान नवाजी, इतना केयर हमें मिलेगा। तो ये उनकी स्टोरी थी।